लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव कोलकाता के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए, मैं विकास राजपूत, करते हैं आपके साथ खबरों की शुरुआत। सबसे पहले हम बात करेंगे देश के राष्ट्रपति की। देश के 14वें राष्ट्रपति को हमने और आपने देख लिया है, उन्होंने शपथ ले ली। लेकिन अब बारी है राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में अगस्त महीने में पश्चिम बंगाल से 6 राज्यसभा सांसदों की मियाद खत्म हो रही है और इन सांसदों में से 4 ऐसे सांसद हैं जो फिर से तृणमूल के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बुधवार को तृणमूल की तरफ से कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इन उम्मीदवारों में 2 ऐसे उम्मीदवार थे जो काफी अहम है। पहला नाम डॉक्टर मानस भुइयां, जो कांग्रेस छोड़कर तृणमूल के साथ आए हैं, और वहीं दूसरा नाम शांता छेत्री, यानी कि पहाड़ की एक ऐसी नेता। ममता बनर्जी की इस चाल पर कहीं ना कहीं गोजबूमों का विवाद ठंडा पड़ जाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार डोला सेन, शांता छेत्री, डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर राय और डॉक्टर मानस भुइयां ने नामांकन दाखिल किया। इनमें से डोला सेन, डेरेक ओब्रायन और सुखेंदु राय फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। इनकी मियाद समाप्त हो रही है, जबकि शांता छेत्री व डॉक्टर मानस भुइयां को तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी व विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान के साथ विवाद के बाद कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में गए डॉक्टर मानस भुइयां ने सोमवार को कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि अगस्त में बंगाल की 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। फिलहाल 6 सीटों में से तृणमूल के पास 4 और माकपा व कांग्रेस के पास एक-एक सीट है। तृणमूल 5 सांसदों को अपने दम पर जिता सकती है। तृणमूल के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिसके विधानसभा में 44 विधायक हैं। लेकिन कांग्रेस के 8 विधायकों ने तृणमूल का दामन थाम लिया है। इनकी संख्या घटकर 36 हो गई है। माकपा विधायकों की संख्या 34 है। एक राज्यसभा को जिताने के लिए 43 विधायक के वोट की जरूरत होती है। 6वें उम्मीदवार को लेकर सभी पार्टियों ने जोड़ तोड़ करना शुरू कर दिया है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में जहां 6 राज्यसभा सांसदों के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक संकेत दे दिया है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल से मीरा कुमार को चुनाव लड़वाना चाहती है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मीरा कुमार एक ऐसी शख्सियत हैं, जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही सबसे पहले मीरा कुमार के समर्थन की बात जताई थी। और इतना ही नहीं, अन्य पार्टियों को भी उनके मत में वोट डालने के लिए कड़ी मेहनत की थी। मुख्यमंत्री व तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी ने मीरा कुमार को पश्चिम बंगाल से राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई बैठक की समाप्ति के बाद मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सुश्री बनर्जी ने कहा कि बंगाल से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। ममता ने कहा कि हम लोग 5 सीट तो जीत लेंगे, 6ठे सीट के लिए माकपा और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है, यह उनका मामला है। पर अगर मीरा कुमार चुनाव लड़ती तो सबसे बेहतर होता, उस स्थिति में वह सभी के समर्थन से आसानी से कामयाब हो जाती। गौरतलब है कि लोकसभा की पूर्व स्पीकर व कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार को विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव में मैदान में उतारा था, जहां उन्हें एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार को सबसे अधिक वोट पश्चिम बंगाल से ही मिले थे। ममता बनर्जी ने न केवल खुलकर उनका समर्थन किया था, बल्कि अन्य दलों को भी उनके पक्ष में लाने के लिए काफी मेहनत की थी। अब वह मीरा कुमार को बंगाल से राज्यसभा भेजना चाहती हैं। अपने इस कदम के द्वारा जहां एक ओर वह आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना को खुला रखना चाहती हैं, वहीं अपने इस मास्टर स्ट्रोक के द्वारा वाम दलों को बैकफुट पर ढकेलना चाहती हैं।
मालदा जिला एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि इस बार नकली नोट या अवैध हथियार नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग में ही एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ये रिश्ता काफी पुराना था। लंबे समय से दोनों एक दूसरे से इश्क लड़ा रहे थे, लेकिन लड़की के घर वालों ने जब लड़की का विवाह ठीक कर दिया तो यह बात उसके प्रेमी को रास नहीं आई और सीधे उसके घर पर पहुंचकर धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। उस युवक को मालदा जिले अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाला मालदा जिला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। हालांकि अब की बार मुद्दा जाली नोट का नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग का है। प्यार में असफलता हासिल होने के कारण एक युवक ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर धारदार हथियार से उसे घायल कर दिया। इस घटना के बाद आरोपी प्रेमी को इलाके के लोगों ने धर दबोचा और उसकी जमकर धुनाई की, साथ ही उसे इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस को भी सौंप दिया। हड़कंप मचाने वाली ये घटना मालदा के इंग्लिश बाजार थाने के बड़ा साकू इलाके में घटी। घायल प्रेमिका को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त किशोरी के साथ उसी इलाके के रहने वाले प्रसेनजीत मंडल का कुछ दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। मंगलवार रात को प्रसेनजीत जबरदस्ती उक्त किशोरी के घर में घुस गया। किशोरी की चीख सुनकर किशोरी के परिजन जब किशोरी के कमरे में पहुंचे तो उसे जख्मी अवस्था में जमीन पर बेहोश पड़ा पाया और उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे। इस घटना में किशोरी के परिजनों ने प्रेमी को मौकाए वारदात पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार किशोरी के परिजन उसकी शादी कराने की तैयारी कर रहे थे। इसी आक्रोश में आकर प्रसेनजीत ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल प्रसेनजीत पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं दूसरी घटना मालदा के इंग्लिश बाजार थाना इलाके की है, जहां एक बोरे से एक महिला का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह जब वह एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो एक बोरे से काफी दुर्गंध आ रही थी। हालांकि जब बोरे को खोला गया तो उसमें एक महिला का छत बिछत शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मालदा जिले में बोरे में बंधी हुई एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह इंग्लिश बाजार थाना अंतर्गत मिल्किर सातघरिया इलाके के तालाब के पास पड़े हुए एक लावारिस बोरे को देखकर जब स्थानीय लोग बोरे के पास गए तो लोग अचंभित रह गए। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी तुरंत मिल्की फाड़ी की पुलिस को दी। जानकारी पाकर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि जब लोग तालाब के पास पड़े बोरे को देखकर वहां गए तो वहां फैली दुर्गंध से लोगों के मन में शक उठने लगा। कौतूहलवश लोगों ने बोरे को खोला तो बोरे में महिला की टुकड़ों में बटे शरीर के हिस्सों को देखकर लोग चौंक गए। लोगों का अनुमान है कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है और बाद में उसकी हत्या कर दी गई है। अभी तक मृत महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इससे पहले उक्त महिला को इस इलाके में कभी नहीं देखा गया था। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।